ऐसे दो स्मार्टफोन जो कि यहाँ पर इंडिया में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ देखने लिए मिलते हैं, मोटो एज X30 एंड यहाँ पर जो OnePlus 10 Pro। यह आपको यहाँ पर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ देखने लिए मिलते हैं, जो कि सबसे पावरफुल एंड यहाँ पर आज तक का कॉलकॉम की तरफ से सबसे पावरफुल प्रोसेसर देखने लिए मिल रहा है। तो ये उसी के ऊपर देखने लिए मिलते हैं, तो आप इनके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो एंड यहाँ पर आप इनका कंपेरिजन चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो, आपको सब कुछ आइडिया हो जाएगा इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट हो सकता है। एंड आपको अगर बाय करना है ना, तो उसके रीजन से भी ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर दें एंड लाइक जरूर से कर दें, क्यों क्योंकि गाइस आपको यहाँ पर ऐसे हेल्पफुल कंटेंट वीडियो आपके लिए इस पर ऐसे ही मिलते रहते हैं। तो गाइस बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर आप डिस्प्ले की। तो गाइस डिस्प्ले में आपको यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन है ना ऑलमोस्ट सिमिलर देखने लिए मिल जाते हैं, बट यहाँ पर आपको जो सबसे बेटर डिस्प्ले देखने लिए मिलता है ना, वो यहाँ पर आपको OnePlus 10 Pro का देखने लिए मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो मोटो एज X30 के डिस्प्ले की बात लेना, तो गाइस यहाँ पर आपको 6.7 इंच का आपको यहाँ पर 144Hz का OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है विथ 10 bit जो कलर गेमिंग के साथ। उसके साथ गाइस यहाँ पर आपको HDR10+ एंड वाइड वाइन 11 का सपोर्ट ऑब्वियसली देखने लिए मिल जाता है। गाइस यहाँ पर आपको HDR10+ एंड वाइड वाइन 11 का सपोर्ट देखने लिए मिल जाता है। उसके साथ गाइस इसकी जो थिकनेस की बात रहा, तो गाइस ये आपको 8.4 mm स्लिम देखने लिए मिल जाता है, अच्छा खासा यहाँ पर आपको मोटाई देखने लिए मिल जाती है। रियर पर आपको यहाँ पर 5 का प्रोटेक्शन देखने लिए मिल जाता है विथ आपको मेटल फिनिशिंग देखने लिए मिल जाती है। एंड फ्रंट पर भी आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने लिए मिल जाता है। बैक पर आपको यहाँ पर मोटोरोला की ब्रांडिंग देखने लिए मिल जाती है। इनफ, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं OnePlus 10 Pro में डिस्प्ले साइज़ की। डिस्प्ले साइज़ दोनों में सेम देखने लिए मिल जाता है, 6.7 इंच का आपको यहाँ पर 120Hz का जो FHD कर्व्ड कंसोल के साथ डिस्प्ले देखने लिए मिल जाता है। सेकंड जनरेशन का आपको यहाँ पर LTPO पैनल देखने लिए मिल जाता है। उसके साथ गाइस यहाँ पर ये डिस्प्ले आपको यहाँ पर कर्व्ड देखने लिए मिल जाता है, मोटो में आपको यहाँ पर फ्लैट देखने लिए मिल रहा है। उसके साथ गाइस अब यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले में आपको यहाँ पर अच्छे कैसे आपके यहाँ आपको पीक ब्राइटनेस देखने लिए मिलेगी, दोनों में आपको यहाँ पर विजिबिलिटी आपको काफ़ी इन्हेंस देखने लिए मिल जाती है। 8.5 mm आपको ये फिल्म देखने लिए मिल जाता है, मोटो से थोड़ा आपको यहाँ पर OnePlus थोड़ा मोटा ही ज़्यादा देखने लिए मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए गाइस बात करें तो गाइस जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में बता दिया कि दोनों में आपको यहाँ पर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का पावरफुल प्रोसेसर देखने लिए मिलता है। दोनों में आपको यहाँ पर LPDDR5X एंड UFS 3.1 का लेटेस्ट स्टोरेज टाइप देखने लिए मिलता है। डुअल सिम का सपोर्ट देखने लिए मिलता है। 5G आपको जैसे कि मालूम है दोनों में देखने लिए मिल जाता है। उसके साथ गाइस अब यहाँ पर आपको जो मोटो में आपको यहाँ पर क्लीन स्टोरेज देखने लिए मिलता है। उसके साथ गाइस यहाँ पर आपको जो OnePlus 10 Pro है उसमें यहाँ पर आपको ऑक्सीजन जो आपको यहाँ पर 12 देखने लिए मिल जाता है। आगे यहाँ पर आपको थोड़े बहुत ब्लोटवेयर देखने लिए मिलेंगे OnePlus 10 Pro में, तो आप उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। नो ब्लोटवेयर यानी फ्री ब्लोटवेयर वाला कोई स्मार्टफोन चाहिए तो आपको यहाँ पर ये मोटो एज X30 आपके लिए बेटर चॉइस हो सकता है। डिज़ाइन की बात रहना, तो गाइस आपको यहाँ पर जो OnePlus 10 Pro है ना उसको यहाँ पर न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। उसका कैमरा मॉड्यूल यानी कुछ अलग करने की ट्राई की गई है। एंड यहाँ पर मोटो एज X30 में आपको यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं देखने लिए मिलता है, यानी आपको वैसा ही आपको मोटो के जो पहले वाले स्मार्टफोन देखने लिए मिल रहे हैं ना 2021 वाले, उसकी तरह आपको यहाँ पर जो कैमरा सेटअप है देखने लिए मिलता है। तो ले गाइस अब यहाँ पर कैमरा की तरफ मूव करते हैं ना, तो गाइस कैमरा आपको यहाँ पर अच्छा खासा देखने लिए मिलता है दोनों ही स्मार्टफोन में। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो मोटो एज X30 की बात करें ना, तो गाइस आपको यहाँ पर रियर पैनल पर आपको यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने लिए मिल जाता है। दोनों में आपको यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने लिए मिल जाता है। यहाँ पर सबसे पहले मोटो एज X30 की बात करें, तो गाइस आपको यहाँ पर 50 MP का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने लिए मिल जाता है। उसके साथ 50 MP का प्राइमरी कैमरा देखने लिए मिल जाता है OIS के साथ। 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने लिए मिल जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी काम का होने वाला है। एंड यहाँ पर सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पर 16 MP का आपको यहाँ पर जो मोटो एज X30 है उसमें आपको कैमरा देखने लिए मिल जाता है। 8K सपोर्ट देखने लिए मिल जाता है। फ्रंट से 4K 30 FPS पर वीडियो शूट करवाओगे। कैमरा में ऑल सेंसर का सपोर्ट देखने लिए मिल जाएगा। चलिए OnePlus 10 Pro की बात करें, तो गाइस रियर पैनल पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 48 MP का जो प्राइमरी कैमरा, 50 MP का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने लिए मिल जाएगा। उसी साथ गाइस 8 MP का आपको टेलीफोटो देखने लिए मिल जाएगा विथ ड्यूअल OIS का सपोर्ट देखने लिए मिल जाता है आपको यहाँ पर। 32 MP का सेल्फी स्नैपर। उसके साथ गाइस यहाँ पर रियर पैनल पर आपको यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल चेंज देखने लिए मिलेगा LED लीड फ्लैश के साथ। ऐसा लगेगा कि आपको यहाँ पर 4 कैमरा देखने लिए मिल रहे हैं, बट आपको यहाँ पर एक्चुअली 3 कैमरा ही देखने लिए मिलेंगे, वो एक अलग से LED फ्लैश देखने लिए मिल रहा है। उसके साथ गाइस LED फ्लैश को यहाँ पर जो OnePlus 10 Pro है ना उसमें अलग से यानी डिज़ाइन किया गया है।
एंड यहाँ पर आपको 8K का सपोर्ट देखने को मिलेगा, रियर से फ्रंट से 4K कर पाओगे। एंड यहाँ पर अच्छी बात है कि आप यहाँ पर जो कैमरा आपको यहाँ पर बैटरी देखने लिए मिलते हैं। बैटरी लाइफ की बात करें तो गाइस आपको यहाँ पर मोटो एज X30 है ना, उसमें यहाँ पर आपको जो 5000 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है 68W के फास्ट चार्जर के साथ। OnePlus 10 Pro में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने लिए मिल जाती है आपको यहाँ पर जो 80W के फास्ट चार्जर के साथ। 50W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने लिए मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने लिए मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन टाइप का सपोर्ट देखने लिए मिल जाता है। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर आपको दोनों स्मार्टफोन देखने मिल जाते हैं। NFC का सपोर्ट आपको यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन देखने मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.2 दोनों स्मार्टफोन में, वाईफाई 6E दोनों स्मार्टफोन में। ट्रिपल जो माइक है वो आपको यहाँ पर जो इसमें आपको यहाँ पर देखने लिए मिल जाता है, यानी OnePlus 10 Pro एंड जो मोटो X30 में देखने लिए मिलता है। वर्चुअल रैम 4GB आपको वर्चुअल रैम का सपोर्ट देखने लिए मिलता है दोनों में। कार्ड स्लॉट आप इन दोनों में नहीं लगा पाओगे। 3.5 जैक मिसिंग रहेगा दोनों में। वेरिएबल रिफ्रेश रेट दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। IP52 का रेटिंग देखने लिए मिल जाता है एंड यहाँ पर OnePlus जो 10 Pro उसमें यहाँ पर आपको IP68 का वाटर एंड डस्ट रजिस्ट्रेशन देखने मिल जाता है। रही बात अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है मोटो एक्स जो 30 में और जो आप यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट OnePlus 10 Pro में देखने लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पर एक्चुअल जो फर्स्ट जो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने लिए मिलता है। दोनों के वेरिएंट आपको यहाँ पर 8GB 128GB से स्टार्ट होते हुए दिख जाते हैं, जहाँ पर आपको 8GB 128GB 8GB 256GB और यहाँ पर 8GB 256GB का आपको यहाँ पर वेरिएंट देखने लिए मिल जाते हैं। एंड अल्टीमेट विच ऑफ दीज टू स्मार्टफोन कैन बी बेस्ट फॉर यू, यस आपके लिए दोनों में आप कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले डिस्प्ले के अंदर आपको मैं यहाँ पर OnePlus को रखना चाहूँगा यानी बेस्ट। और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी देखने मिल जाती है। परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा बेटर चाहिए तो मोटो की तरफ देख सकते हैं। कैमरा बेटर चाहिए तो आप OnePlus 10 Pro की तरफ देख सकते हो। बिल्ड क्वालिटी अच्छी स्ट्रॉन्ग चाहिए तो दोनों ही आपको देखने मिलते हैं सिमिलर। एंड बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो गाइस आप OnePlus 10 Pro की तरफ देख लीजिए, वहाँ पर आपको वायरलेस एंड यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने मिल जाता है। कनेक्टिविटी डिपार्टमेंट के अंदर दोनों ही आपको सिमिलर देखने मिलते हैं। मैंने गाइस आपको यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन के फीचर्स डिटेल से एक्सप्लेन कर दिए। एंड आप में से इन दोनों ही स्मार्टफोन से कोई सा भी स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो ना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। बेस्ट बाइंग ऑफर के साथ आप वहाँ से उसे बाय कर सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताना कि क्या आपको किस सिचुएशन में आपके लिए कौन सा जो स्मार्टफोन है वो बेटर हो सकता है। तो इन दोनों ही स्मार्टफोन के प्रोस एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए, अब आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से कोई सा भी स्मार्टफोन सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर दें, लाइक जरूर से कर दें। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट वीडियो आपके डेस्क पर यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। एंड गाइस मैं मिलता हूँ और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए गाइस ऑलवेज स्माइल।